आप सभी को गुड मॉर्निंग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आईआईटी वीएचयू है, वहाँ पर 2 नवंबर को हुई घटना जो छात्रा के साथ हुई थी, उसको लेकर बच्चों के बीच में ये है आक्रोश कि क्यों नहीं पीड़िता के न्याय के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि बिटिया से पीड़िता कब तक, आखिर ये प्रश्न एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अभी तक भी बना हुआ है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थ्रेट्स को दिखाते हैं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि मौन प्रोटेस्ट है। हम देखो सारे बच्चे अपना क्लास प्रॉपरली ऑफ करके, क्रिमिनल कहाँ है इसका जवाब कौन देगा। आप देखो तो पीड़िता को न्याय दो। तो सारे बच्चे जो हैं, और ये ठीक आईटी डायरेक्टर का ऑफिस है, आईटी वीएचयू डायरेक्टर सर का, ठीक है। ठीक उसके सामने वाली रोड पर ये लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करने का निर्णय किया है इन लोगों ने। और आखिर एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था क्या कर रही है, किस तरीके से हम अपनों को न्याय देंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, खासकर पूरे विश्व के लिए। और ये शायद पहली बार वॉसिप नहीं है, पिकनिक नहीं है ये, ठीक है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। ये शायद हमें लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है जिसमें सारे बच्चे मौन रहेंगे। ये शायद पहली बार हो रहा है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि मौन से हम अपनी स्थिति को बयां करेंगे, क्योंकि मौन की भाषा काफ़ी जटिल और श्रेयस्कर मानी जाती है। आज गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। जैसा देखने में लग रहा है कि सभी मौन हैं, तो क्या है, क्या मतलब इनको इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से हम, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, ये सब अंदर की प्रेरणा है, राइट? कि हम एक कॉज के लिए बैठे हैं, हम पीड़िता की सहायता के लिए और उसकी जस्टिस के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर शोर शराबा हंगामा कर किसी पर कुछ प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाना चाहते, हम यहाँ पर उसके साथ हैं, ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे काफ़ी सारे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पढ़ भी रहे हैं और जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया के गिने चुने, मतलब इतिहास में शायद ही ऐसा होगा कि पढ़ते हुए लोग मौन तरीके से, ठीक है, अपनी बात को रखने का एक माध्यम, जब किताब और पोस्टर कह सकती है तो हमें बार बार चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, मौन की भी एक अपनी आवाज़ होती है। मौन की भी एक अपनी आवाज़ है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय सिंह है। जो शांति से हम कर सकते हैं, जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, गांधी जी ने सिखाया है कि नॉन वायलेंट रह के शांति से जो भी काम होगा वो होगा, सबकी सहायता से होगा, तो उसी पर हम अग्रसर हैं। अच्छा, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आप लोगों को ये नहीं बताया कि कहाँ तक उनको बढ़ोतरी हो या क्या न्याय के लिए उन्होंने किया? क्या कहती है कि बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। बस ठीक है, जब अच्छी बात है बहुत क्लोज हैं तो जल्दी पकड़ लें, हम लोग भी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट थोड़ा सा ये है कि जल्दी क्लोज हैं तो वो पकड़ लें, हम अच्छे से चले जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, ऑल द बेस्ट। आप देख सकते हो शायद दुनिया में इस तरीके का पहला प्रोटेस्ट, इंडिया में तो पहला दिख रहा है मुझे, कि लोग पढ़ाई करते हुए, ठीक है, अपने प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। और मौन की जो अपनी भाषा है, कहते हैं कि शून्य में यह प्रश्न प्रतिपल गूंजता, कौन मेरा मैं मुझी से पूछता, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। आप देखो
तक कल्प्रेट पकड़ा जाएगा, और कल्प्रेट पकड़ने में या पुलिस के बाद से भी बीच बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट चेंज करना या विक्टिम की रूम में पुलिस चले जाना विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, वो ऐसे कुछ गलतियां पुलिस की तरफ से भी हो रहे हैं जो हमें सस्पिशियस लग रहे हैं। एंड पूरे पुलिस अभी इसमें ढीला पड़ रहे हैं, एंड हमें पता नहीं है कि पुलिस अभी इसको केस को अभी लाइटन करने की कोशिश में है या कल्प्रिट्स को छोड़ने की एक रास्ता बना रहे हैं। एंड अगर हमें पुलिस यही बता रहे हैं कि तीनों को साथ में पकड़ना है, एक एक करके नहीं पकड़ सकते, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता है कि एक एक करके पकड़ने में दिक्कत क्या आ रही है पुलिस को। तो पुलिस की तरफ से बहुत कुछ अभी इसमें डिले हो रहे हैं, बहुत कुछ लापरवाहियाँ हो रहे हैं, और अभी तक जस्टिस नहीं मिले हैं। तो हमारे इस आज यहाँ पे जो भीड़ शामिल है, हम सबका एक ही मुद्दा है कि विक्टिम को जस्टिस मिलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप देखो कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, और इन्हें पढ़ाई भी करनी है, तो मैक्सिमम बच्चे ऑल द बेस्ट है। लाइब्रेरी की तरफ आप देखो, मौन से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर न्याय देने में कब और कितना वक्त लेंगे लोग। ये क्या पढ़ रहे हो, ये कौन सा सब्जेक्ट है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? मैकेनिकल के हो क्या? हाँ। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई के साथ साथ मौन का पाठ पढ़ाती ये युवा पीढ़ी आपके सामने न्याय के लिए, अपनों के बीच की छात्रा के न्याय के लिए अग्रसर और किंग कर्तव्य मूड है। चलिए आप सभी को धन्यवाद, और इन सभी को न्याय मिले जल्दी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।